क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों थी, क्या थी, क्लासिफिकेशन का जरूरत क्यों पड़ा। तो सर अगर एक आध एलिमेंट हो, दो एलिमेंट, पांच दस एलिमेंट हो, तो उसको इंडिविजुअली पढ़ा जा सकता है, इंडिविजुअली उसके सारे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को याद किया जा सकता है। बट जब एलिमेंट 50+ हो जाते हैं, तो फिर सारे एलिमेंट को इंडिविजुअली सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना टफ हो जाता है सर। तो बोला कि कुछ सिमिलैरिटीज देखिए, ढूंढिए कुछ सिमिलैरिटीज मॉलिक्यूल्स एटम्स के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर, और उसको सिमिलैरिटीज के बिहाफ पे क्लासिफाई कर दीजिए, ताकि एक प्रॉपर्टीज पढ़ा जाए और उसका दूसरा प्रॉपर्टीज खुद ब खुद पता चल जाए। ठीक, तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थी। इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी डिफिकल्ट टू स्टडी। इंडिविजुअल और इंडिविजुअली द केमिस्ट्री ऑफ ऑल एलिमेंट केमिस्ट्री ऑफ ऑल एलिमेंट एंड मिलियंस ऑफ देयर कंपाउंड। एंड मिलियंस ऑफ देयर कंपाउंड्स, हेंस टू सिंप्लीफाई द स्टडी दे आर क्लासिफाइड इंटू ग्रुप्स एंड पीरियड। सर
सर यह वीडियो हैज बीन स्टॉप। आ रहा है मैसेज अभी, डोंट वरी। सो एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एन इनटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। कैन यू डब प्लीज स्लाइड अप। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली द केमिस्ट्री ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड मिलियंस ऑफ देयर कंपाउंड्स। हेंस टू सिंप्लीफाई द स्टडी दे आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स। अर्ली एटम्स, सबसे पहला एटम्स प्रोस्ट का था। अकॉर्डिंग टू प्रोस्ट ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। सो वी कैन से दैट एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एन इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। होता भी है, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंट यूनिटी लिया जाता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी एटम का एटॉमिक वेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बराबर हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नेक्स्ट जो अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन का, अभी साउंड क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट अटेम्प्ट था लेवोजियर। लेवोजियर, लेवोजियर का क्लासिफिकेशन था एलिमेंट के भी। यहाँ पे लेवोजियर बोला कि सर जितने भी एटम्स हैं ना, जितने भी एलिमेंट्स है ना, उसको टू कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। वन इज मेटल एंड अदर इज नॉन मेटल। आपको पता है कि बाद में मेटलॉइड भी आया, तो इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को भी निग्लेक्ट कर दिया गया। एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, ये क्लासिफिकेशन आया। लाइट थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। जो मेटल होता है दैट हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इसका टेंडेंसी होता है, लूज इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी होता है, मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन। और जो नॉन मेटल होता है सर, इट हैज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसमें गेन इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होता है। लाइक जो मेटल होता है सर, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके एम एन प्लस आयन में कन्वर्ट होता है बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। और जो नॉन मेटल होता है, वो नॉन मेटल एन इलेक्ट्रॉन को गेन करके एन माइनस में जाता है। दिस एन इज नॉट नाइट्रोजन एटम, इट इज एनी नॉन मेटल, सो इट कन्वर्टेड इनटू एन एन माइनस। सो नॉन मेटल जो है वो एनायन बनाता है सर, और जो मेटल है वो क्या बनाता है, केटायन बनाता है। पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड केटायन एंड नेगेटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। एक एग्जांपल तो ले ही सकते हैं हम लोग मेटल का, क्या ले सकते हैं, सोडियम। सर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है
और एन ए प्लस में जाता है बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। इनिशियल स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 281 होता है सर, बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। इट अटेन्स इट्स नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियन 2 एंड 8। नॉन मेटल के एग्जांपल में हम लोग क्लोरीन ले लेते हैं। ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- देता है सर। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है इसका, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 288 में चला जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। दिस क्लासिफिकेशन डिस्कार्डेड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नॉन मेटलॉइड्स। दिस क्लासिफिकेशन डिस्कार्डेड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स। सो नेक्स्ट थर्ड अटेम्प्ट था डॉब्रेनर ट्राइट्स। डॉब्रेनर ट्राइट्स, डॉब्रेनर ट्राइड्स, डॉब्रेनर ट्राइड्स। ही अरेंज द एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ थ्री इन अ ग्रुप ऑफ थ्री नोन एज ट्राइड। नोन एज ट्राइड्स, उस टाइम तक जो नॉन एलिमेंट थे उस नॉन एलिमेंट को तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड कर दिया इसने, जिसको ट्राइड बोला। अकॉर्डिंग टू हिम सर, ये जो तीन तीन का ग्रुपिंग था वो ऐसे था कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट, राइट? एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट। क्लियर? देखिए इसके एग्जांपल्स, एग्जांपल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रूल पढ़े होंगे। कोई बताएंगे मुझे? एक भी एग्जांपल बताइए कोई। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, देखिए अभी भी ये
सेम ग्रुप में बिलोंग करता है जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें भी लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम है ना। तो इसने तीन ग्रुपिंग किया, ग्रुपिंग में बोला कि देखिए कि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 7 होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 7 होता है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 39 होता है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए, तो एवरेज होना चाहिए, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम जो है वो 7 + 39/2 होना चाहिए, कितना आता है ये 23, ये 23 होता भी है। सेकेंड ग्रुप बनाया उसने बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 8 और 9 जो भी आपको लेना है, जनरली ये 8 लिया था और इसका 40 लिया था, तो मैग्नीशियम का एवरेज कितना आएगा 8 + 40/2, सो 48/2, 48/2 इज इक्वल टू 24, एक्चुअल में 9 होता है अभी बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, बट 24 हमें लेना है, हम 8 ले लिए हैं यहाँ पे। कुछ उस समय पे कुछ रॉन्ग एटॉमिक नंबर भी थे, उस समय बहुत सारे एटॉमिक नंबर का जो है एटम का एटॉमिक नंबर का करेक्शन हुआ है मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल में, एज यू नो अगर पढ़े होंगे आप मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल, तो उसका एक एडवांटेज में वो भी था कि बहुत सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर उसने करेक्ट किया था सर, राइट। सो आप 8 लिखिए या फिर आप और में 9 लिखिए, 9 लिखिएगा तो प्रॉब्लम होगा कि मैग्नीशियम 24.5 हो जाएगा, चलिए अप्रोक्सीमेटली सही होगा। तीसरा ग्रुप है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम का, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 40, बेरियम का एटॉमिक नंबर 137, एवरेज निकालिएगा 40 + 137/2 कितना आता है 88.5, स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 88, होता है क्या, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है तो ठीक है, उस समय के क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे बोला कि सर हम ऐसे ग्रुप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तीन तीन का ग्रुप हम बना रहे हैं, उस स्टेप का एवरेज आ तो रहा है, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, अभी भी देख रहे हैं ये ग्रुप में टॉप टू डाउन का ग्रुप है ये, सो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 31 और एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 120, 31 + 120/2 ये एवरेज कितना देगा बताइए 75, सो आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 75, समझ रहे हैं बात, नहीं समझ रहे हैं बताइए। फिफ्थ ग्रुप देखेंगे, यस, फ्लोरीन, फ्लोरीन से लीजिए, फ्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, मास नंबर होता है 19, ये तो होता है कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोमीन का होता है 80, तो 19 + 80, 80 + 20, 100 / 250 होगा, 18 + 90 ये कितना आएगा, 80 + 90 कितना आएगा, ये तो 49.5 आएगा, लेकिन क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता कितना है 35.5 होता है, ये नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है, ठीक नहीं है, बोलिए, यस सर, यस सर, ओके, सिक्स, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को देखिए आप, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है, सो आयोडीन का 137 के आसपास होता है सर, कितना होता है 127 होता है, इसका 35.5 होता है, कितना हो जाएगा इसका एवरेज 35.5 + 127/2 इज इक्वल टू कितना, चल भाई के आसपास आता है और अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली सही है सर, 80 के आसपास होना भी चाहिए, ठीक, तो ये चीजें एक्सेप्शन आया, यस सर, दूसरी बात
सर बहुत सारे ऐसे ग्रुप नहीं बन पाएंगे, ऐसे बहुत सारे ग्रुप आपको नहीं मिलेंगे जिससे कि आप जितने नॉन एलिमेंट हैं उसको आप तीन तीन का पेयर में बना पाएं। तो ये कोई इजी मेथड नहीं हुआ स्टडी करने का, क्लासिफिकेशन का जो पर्पस था वो पर्पस सर्व नहीं हो रहा है। तीन तीन का आप ग्रुप बनाए हैं, कोई बड़ा ग्रुप नहीं है, तीन तीन का ग्रुप बनाया है और उसमें भी सारे एलिमेंट्स आपके कवर नहीं हो रहे हैं, एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं एटॉमिक मास के रूल को भी, राइट। लेकिन देखिए कुछ हद तक जितना भी ग्रुपिंग आप देख रहे हैं सब सेम ग्रुप में लाइक करने वाला एलिमेंट है, अभी भी ये सारे सेम ग्रुप में है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, ये सारे सेम ग्रुप में है। डन, मोस्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन फॉर एट दैट टाइम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला कि भाई साहब एलिमेंट्स जो है एक्चुअली नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस है, एलिमेंट्स लैब में तो बनते नहीं है, सोडियम थोड़ी बनाते हैं आप लैब में, सोडियम को किसी और चीज से कंबाइन करवा के आप अदर कंपाउंड बनाते हैं लैब के अंदर, एलिमेंट्स लैब के अंदर नहीं बनता है सर। हालांकि अब कुछ आर्टिफिशियल मैनमेड एलिमेंट्स हो गए हैं, जो 118 से पहले जो लास्ट वाला कुछ एलिमेंट है वो मैनमेड एलिमेंट्स है, या रेडियो एक्टिव, अगर आप रेडियो एक्टिविटी का फेनोमेना जहाँ पे होता है वहाँ पे नए एलिमेंट्स बनते हैं सर, बट रेयरली, ये रेयर वाली पोजिशन है सर। एलिमेंट्स जनरली क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं, ठीक। तो बोला कि सर उस समय म्यूजिक को भी इसी तरह से बोला जाता था, आज भी यही बोला जाता है कि म्यूजिक जो है वो भगवान का देन है ना। तो इसने बोला कि जैसे ही म्यूजिक में हर एक लेटर के बाद ये जो सुर होता है वो रिपीट करता है खुद को, वैसे ही एलिमेंट्स को अगर उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे आप अरेंज करेंगे ना, तो इच एट्थ एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट वन, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू हिम if elements are arranged in increasing order of their atomic mass, their atomic mass, then every eighth element have similar properties to the first element. Every eighth element has a similar properties to the first element. ठीक है? Similar to the eighth note. Eighth note of the music scale, musical scale. क्या मतलब था? मतलब ये था कि उस टाइम पे हाइड्रोजन हीलियम लोन नहीं था, उसने लिथियम से, इनर्ट गैस तो था नहीं उस टाइम पे, तो लिथियम से स्टार्ट किया क्लासिफिकेशन, बोला लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बस फ्लोरीन के बाद नियन नहीं, सीधा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस,
सल्फर क्लोरीन, आर्गन नहीं है ना, पोटेशियम और कैल्शियम, 20 एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया। कैल्शियम के बाद ये लॉ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आना शुरू हो जाता है, सो इसके बाद ये वैलिड नहीं होता है, लेकिन यहाँ तक सबसे सक्सेसफुली क्लासिफिकेशन था। ये बोला कि जिस तरह से सा रे गा मा पा होता है जो भी होता है, धा नी, नी के बाद क्या आता है, फिर से सा आता है, उसी तरह से लिथियम के बाद जो ये सोडियम है ना, वो लिथियम जैसा ही प्रॉपर्टी शो करता है। लिथियम के बाद जो एलिमेंट सोडियम है वो लिथियम जैसा ही प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, ये बात क्लियर है। बेरिलियम से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो जो बेरिलियम के बाद एट्थ एलिमेंट आएगा, सो बेरिलियम के बाद एट्थ एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैग्नीशियम। सो बेरिलियम जैसा ही प्रॉपर्टीज किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। सो जिस किसी भी एलिमेंट से आप स्टार्ट करिए उसका एट्थ एलिमेंट कंपेयर करिए फर्स्ट वन के जैसा होगा, क्लियर है ये बात, फर्स्ट वन यस के सर, जैसा यस होगा। सर, यस सर। तो क्या प्रॉब्लम आया इस थ्योरी में, ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, डन फर्स्ट पॉइंट। सर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है, जैसे ही इनर्ट गैस का डिस्कवरी हुआ, ये नाम ही अपने आप में इनसिग्निफिकेंट हो गया, क्योंकि इनर्ट गैस जो है वो जस्ट इसके बाद आने लगा, ये जो फ्लोरीन है उसके बाद मान लीजिए नियन ऐड कर दीजिए, अगर इस फ्लोरीन के बाद आप आर्गन ऐड कर दीजिएगा, तो ये जो एट्थ एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज का हो रहा था वो अब नाइन्थ एलिमेंट होने लगा। तो ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो नाम ही अपने आप में इनसिग्निफिकेंट होने लगा सर, एट्थ नहीं नाइन्थ एलिमेंट जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज का होने लगा। सो इनर्ट गैस वेयर डिस्कवर्ड, इनर्ट गैस, पहले ये लिखिए कि इनर्ट गैस
वॉज नॉट डिस्कवर्ड टिल दैट टाइम. वॉज नॉट डिस्कवर्ड टिल दैट टाइम. ठीक. एंड ऑल एलिमेंट्स कुड नॉट क्लासिफाई. Could not classify it on this basis. ये लोअर कैल्सियम 20 तक ही ये वैलिड है सर, 20 के आगे नहीं. इट वर्क्स फॉर लेटर एलिमेंट ओनली. इट वर्क्स फॉर लेटर एलिमेंट, है ना? ये सिर्फ लेटर एलिमेंट के लिए वर्क करता है सर, कैल्सियम तक के लिए इसका ठीक है ये चीज, उसके बाद ये वर्क नहीं करता है सर. ये प्रॉब्लम है इसका. डन है यहाँ तक. नेक्स्ट आई होप फोर्थ होगा या फाइव. न्यूलैंड सॉकलेट फोर्थ था ना, फिफ्थ. फिफ्थ क्लासिफिकेशन लोदर मेयर कर्व. लोदर मेयर कर्व, इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है. एक दो बार ऑप्शंस में पूछा गया है केवल कि लोदर मेयर कर्व जो है वो ग्राफ बनाया गया था, किसके किसके बीच ग्राफ प्लॉट किया गया था, बस ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और उतना ही हमें याद भी रखना है, उससे ज्यादा कुछ यूजफुल नहीं है इसमें. सो नेक्स्ट है लोदर मेयर कर्व. ही कैलकुलेटेड द एटॉमिक वॉल्यूम. Calculated the atomic volume of the elements by dividing their atomic mass by dividing their atomic mass with density. With density in solid state. In solid state. And plotting a graph between atomic volume against atomic mass. तो ये चीज इंपॉर्टेंट कि ग्राफ किसके बीच प्लॉट किया गया था, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच ये ग्राफ प्लॉट किया गया था. किसके बीच? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच ये ग्राफ प्लॉट किया गया था. एक ग्राफ प्लॉट किया
जिसमें वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम लिया सेंटीमीटर क्यूब में और एक्स एक्सिस पे एटॉमिक मास दिया। एएमयू में एटॉमिक मास किसमें? एएमयू में, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा ग्राफ था, अब जब इसका बुक में ग्राफ देखेंगे तो काफी हेफेजेड और जिगजैग ग्राफ दिया हुआ है। हम उसमें से सिंपल कुछ सिंपलेस्ट ग्राफ बनाते हैं। क्या होता है कि ये इस तरह का पॉइंट बनता है, धीरे धीरे जहां पर आप आगे जाएंगे तो ये टिप जो है वो ऊपर चलता चला जाता है। ठीक है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। सो ये जो पीक देख रहे हैं आप, यहाँ पे उसने लिथियम को रखा। ये सारे ग्राफ का जो पीक है ना, वो अभी जो हमारा अल्कली मेटल है उसको इंडिकेट करता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, आगे फ्रांसियम है, लिखने का जरूरत नहीं है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे कंप्लीट लोदरमेयर कर्व नहीं बना रहे हैं, काफी जिगजैग फॉर्म है उसका, काफी जिगजैग पैटर्न है। हमें दो तीन चीजें याद रखना है, बस वही बात हम यहाँ पर लिख रहे हैं। लोदरमेयर कर्व सबसे पहले तो कैसे किया, कैलकुलेट किया था, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट का उसने एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट किया बाय डिवाइडिंग एन एटॉमिक मास विद डेंसिटी, डेंसिटी से एटॉमिक मास को डिवाइड करके एटॉमिक वॉल्यूम निकाला सर, और उस एटॉमिक वॉल्यूम के बिहाफ पे एक पैटर्न बनाने की कोशिश की। तो ये उल्टा जो सिंपल क्लासिफिकेशन जो सिंप्लिसिटी के लिए किया गया था, मुझे लगता है कि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया इसका स्टडी करना, ठीक ना। कुछ पैटर्न है इसमें भी, पैटर्न क्या है कि देखिए इस ग्राफ को, इस कर्व का जो पिक है वो अल्कली मेटल को दिखाता है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ये पैटर्न मिला सर, जैसे ये जो डाउन टिप देख रहे हैं, ये जो डाउन टिप देख रहे हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट को दिखाता है, ये जो नीचे जितने डाउन टिप है वो सारे उस पे सारे ट्रांजिशन एलिमेंट आते थे। तो कुछ पैटर्न तो था लेकिन कॉम्प्लेक्स था सर, एटॉमिक मास का ऐसा ग्राफ को स्टडी करना इजी नहीं होता है, सो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। तो इसमें पॉइंट्स हमें याद क्या क्या रखना है, एक तो बात हमें यही याद रखना है कि किसके किसके बीच ये ग्राफ प्लॉट किया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट कि द अल्कली मेटल हैव हाईएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम। ये जो अल्कली मेटल होते हैं, जो आज के हमारे अल्कली मेटल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये अल्कली मेटल का वॉल्यूम हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम। Have highest atomic volume, so it occupy occupies at the top of the curve. सो लोदरमेयर कर्व के टॉप पॉइंट पे कौन है? अल्कली मेटल है। डन। सेकेंड पॉइंट है कि इस ग्राफ कर्व में आपको एक ग्राफ दिखेगा डिसेंडिंग और एक ग्राफ दिखेगा एसेंडिंग। सो ये जो डिसेंडिंग का मिड पॉइंट है ना, जैसे ये पॉइंट हुआ डिसेंडिंग का, ये पॉइंट हुआ डिसेंडिंग का, ये पॉइंट हुआ डिसेंडिंग का, समझ पा रहे हैं? तो इसमें जो डिसेंडिंग का पैटर्न बना हुआ है, उस डिसेंडिंग पोजीशन पे अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, जैसे बेरिलियम हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम आ गया, ठीक ना, यहाँ पे आपका सर कैल्सियम आ गया इस टाइप से। सो जितने डिसेंडिंग पैटर्न दिख रहे हैं उस पे अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है डिसेंडिंग। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्यूपाई alkaline earth metal occupies position in the middle of the descending part.
मिडिल ऑफ द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर सर। तीसरा क्या पॉइंट है? हेलोजन एंड द नोबल गैस। हेलोजन में कौन सा आते हैं दोस्त? 17th ग्रुप एलिमेंट। बिल्कुल। कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, एटी। चूंकि ये रेडियो एक्टिव है इसीलिए इसको नहीं पढ़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक ही पढ़ते हैं। ये हमारे हेलोजन है। सो हेलोजन एंड द नोबल गैस हेलोजन एंड द नोबल गैस एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ के एक्सेप्ट हीलियम ऑक्यूपाई द पोजिशन Occupies the position, occupies the position on the ascending part of the curve. Ascending part ऑफ द कर्व। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स कर्व होता चला जा रहा है। अगर इस सारे पॉइंट्स को हम मार्क्स करते रहे, ये जो पॉइंट है ये असेंडिंग वाला पॉइंट है, इस असेंडिंग वाले पॉइंट पे हेलोजन और नोबल गैस आएंगे, तो इस सारी चीज को अगर हम यहाँ प्लॉट करने लगे तो कितना कॉम्प्लेक्स कर्व हो जाएगा। तो उल्टा ये इजी होने के बजाय ये क्लासिफिकेशन और टफ होने लगा। फोर्थ पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट बॉटम पे आते हैं। सो ट्रांजिशन एलिमेंट हैव वेरी स्मॉल वॉल्यूम हैव वेरी स्मॉल वॉल्यूम एंड देयरफॉर these are present at bottom of the curve. Bottoms of the curve. So, ये बॉटम पॉइंट पे क्या आएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट आएंगे। ट्रांजिशन मेटल कौन होते हैं बताएंगे? सर ग्रुप है जो पीरियोडिक टेबल के नीचे रहता है। ओह वो तो लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स है। सर ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल के नीचे रहता है वो तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट थोड़ी है, वो तो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट होता है डी ब्लॉक, जो बीच में रहता है, पहले एस फिर डी फिर पी। तो नॉन मेटल है बी ब्लॉक, और जो मिडिल पोजीशन ऑक्यूपाई किया है ना वो डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। सर हाँ सर, सर एक बार वो पूरा ग्राफ शो कीजिए ना। यस सर, डन। चलिए सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से पीरियडिक क्लासिफिकेशन एक मीनिंगफुल शेप लेने लगा, दैट इज मेंडलिव्स
पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। और इसी को ओल्ड पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। और अभी जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल बनाने से पहले एक पीरियोडिक लॉ दिया जिसको हम लोग एमपीएल बोलते हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ नहीं, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। क्या था ये मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। करेक्ट, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास के बेसिस पे, ये क्लासिफिकेशन भी एटॉमिक मास के बेसिस पे था। मेंडलीव्स मतलब मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे पहले का जितना भी क्लासिफिकेशन है, उससे पहले का जितना भी क्लासिफिकेशन है, ऑल आर बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। सो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स थे सर? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। सात ग्रुप बनाया था और एक जीरो ग्रुप उन्होंने वैकेंट छोड़ दिया था। एडजस्टमेंट था वहां पे कि अगर कोई इनर्ट गैस डिस्कवर हो तो उसको यहाँ प्लेस करना है, इसके लिए छोड़ दिया था। और जितने भी ये ग्रुप थे ना, सबको उन्होंने दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, ए और बी में। फर्स्ट का ए, सेकंड का ए, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, सेकंड का बी। सो ए और बी में सारे ग्रुप को क्लासिफाई कर दिया। क्या आप लोग ये टेबल देखे हैं? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देखे हैं आप लोग? यस सर। एक ही ग्रुप में लेफ्ट साइड में ए को और राइट साइड में बी वाले एलिमेंट्स को अरेंज किया है उसने, ठीक। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये आपका तीन ग्रुप है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स और सेवेंथ को ए एंड बी में क्लासिफाई किया सर। क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या चीज इसमें हमें ध्यान में रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका? Characteristics of Mendeleev's periodic table, MPT, not modern periodic table. आगे हमको modern पूरा लिखना पड़ेगा। MPT का मतलब modern नहीं है, Mendeleev's है। First point, it is based on atomic weight. It is based on एटॉमिक वेट। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेसिस है, किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे, नहीं। सेकेंड पॉइंट, जब मॉडर्न मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बना था तो उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स वेयर नोन। सो 63 एलिमेंट
वेयर नोन, 63 एलिमेंट्स वेयर नोन एट दैट टाइम. At that time, novel gas were not discovered. Seventh horizontal rows. Seven horizontal rows. इसको क्या बोले थे? कॉल्ड पीरियड. आर कॉल्ड पीरियड्स एंड नाइन वर्टिकल कॉल्यूम एंड नाइन वर्टिकल कॉल्यूम called group. Seven period and nine group था उसके periodic table. Each group up to seventh Each group up to seventh is divided into A and B. Subgroup. लिख देते हैं एंड एडवांटेजेस नेक्स्ट क्लास करेंगे. फिफ्थ, द एट्थ ग्रुप इसमें तीन तीन एलिमेंट का ग्रुपिंग किया गया है. एट्थ ग्रुप वाज कंसिस्ट ऑफ Nine element. Nine element in three rows. तीन रो में तीन तीन का ग्रुप बना के नाइन एलिमेंट को एट्थ ग्रुप में रखा गया. Sixth and last point characteristics ka, ki the element belongs to same group, the same group exhibit exhibits similar properties. These are the characteristics of Mendeleev's periodic table. Advantage of Mendeleev's periodic table. चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसको देखते. नो इशू.